मुझे लगा था गाइस बारिश बंद हो गई है, अब धीरे धीरे करके सुनामी भी खत्म हो जाएगी, बट तुम लोग देखो भाई वापस से बारिश शुरू हो गई है। मुझे नहीं लगता ये सुनामी अब कभी भी खत्म होने वाली है। अरे ऐसा मत बोलो यार। मैं तो क्या ही बोलूं यार, तुम लोग पिछली एक तो वीडियो में खो गए, मेरे को इतने ज्यादा टाइम लग गया गाइस इन लोगों को ढूंढने में। मुझे लगा चलो तब तक जब तक ये मिलेंगे तब तक ये सुनामी भी बंद हो जाएगी, और मतलब बारिश भी बंद हो जाएगी सुनामी भी खत्म हो जाएगी, बट नहीं ऐसा कुछ भी हो ही नहीं रहा यार। ये बारिश 2 मिनट के लिए रुकती है तो 5 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए रुकती है तो पता नहीं कितने दिन के लिए होती है। यार दिमाग खराब करके रख दिया इस बारिश ने तो। अरे यार क्या करे, लेकिन एक बात बढ़िया यार, पानी ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो पानी ऊपर नहीं बढ़ रहा तो ये भी तो नहीं है कि पानी घट रहा हो, एक ही जगह पर टिका हुआ है। दिमाग खराब हो रखा है यार। अरे हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हो, बट जो भी हो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं आज गोल्ड को लाने के लिए, मतलब गोल्ड को पानी के अंदर से निकालने के लिए। और तुम लोग जैसा कि जानते हो भाई लॉस सैंटोस के एक मेट्रो स्टेशन के नीचे इतना सारा गोल्ड है, इतना सारा गोल्ड है कि भाई मतलब लिटरली में हम लोगों को पूरा का पूरा ये जो शिप है बड़ा वाला इसको भी 4-5 बार ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तब जाके वो सारा गोल्ड निकल पाएगा। बाकी जो हेलीकॉप्टर है वो तो क्रैश कर दिया था इन लोगों ने। अरे हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ था यार, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ था। अब जैसे भी हुआ हो यार हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया, अब तो वापस मिलने वाला है नहीं। बाकी ये जो हेलीकॉप्टर रिपेयर करने वाला नहीं, मतलब ये जो शिप रिपेयर करने वाला जो बंदा था गाइज हमने उसको रख लिया है और ये हमारी हेल्प करने वाला है। क्योंकि भाई देखो मान लो हम लोग ये शिप लेकर गए गोल्ड आने के लिए और तभी रास्ते में खराब हो गई तो डूबने लग गई तो भाई ये बंदा रहना चाहिए हेल्प के लिए, इसीलिए गाइज इस वाले बंदे को भी हम लोग ले जाने वाले हैं। अरे बिल्कुल ले जाएंगे यार। ओके तो रेडी हो भाई तुम लोग? अरे हाँ रेडी है हम लोग। भाई तुम लोगों को नहीं जाना, तुम लोग दोबारा खो गए तो मैं पागल हो जाऊंगा भाई, इसलिए तुम लोगों को नहीं जाना। मैं तो चलूंगा यार। हाँ हाँ तू चलियो और तू भी चलियो भाई, ठीक है? ठीक है, लेकिन कब जाना है? बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं खा पी के। अरे हाँ यार वैसे मैंने बहुत सारा पिज्जा खा लिया है यार, अब पेट खराब हो गया लगता है। अरे यार इतना पिज्जा खाने की क्या जरूरत थी? अरे यार भूख लगी थी, मैं क्या करूँ। ये लोग भी ऐसा ही यार, मान लो यार इस बारिश में इस सुनामी में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे यार? और वेट डॉक्टर कहाँ मिलेगा यार, हॉस्पिटल तो सारे डूबे पड़े हैं, पता नहीं क्या होगा यार। सिंचन भाई ज्यादा पेट तो खराब नहीं है? अरे लग तो रहा है यार ज्यादा ही पेट खराब है, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। इसका पेट खराब हो गया गाइस, डॉक्टर वॉक्टर का पता है नहीं हमें इस सुनामी में। तू भाई अब पेट खराब लेके घूम अपना, जा रहा हो यार फिर बाथरूम करने? लो भाई ये सिंचन तो गया, छोड़ो वैसे भी ये हमारे संग जाने नहीं वाला, तो चलो भाई लेस्टर चलते हैं फटाफट से। अभी जो तुम लोग कह रहे थे खा के चलेंगे, रहने दो भाई थोड़ा कम ही खाओ, चलते हैं फटाफट से गाइस शिप को लेकर। सबसे पहले ये जरूरी है शिप निकाले कैसे, सबसे पहले तो कंटेनर हटाते हैं साइड में, कंटेनर जो है काफी हल्के आराम से हट जाते हैं। अब देखो भाई इतनी बड़ी शिप है, इसको कुछ ना कुछ करके पानी के अंदर तो निकालना ही होगा, तभी तो हम लोग लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस वो जो छोटी वाली बोट है उसको साइड में करना होगा, क्योंकि शिप के टक्कर से भाई ये बोट ना फैल जाए कहीं इधर उधर, इसलिए सबसे पहले इस बोट को कहीं साइड में करते हैं। हाँ ऐसी जगह करना जहाँ पर ये शिप टकराए ना इससे। हाँ भाई ऐसी जगह करूंगा। तो भाई आगे 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 भाई कुछ भी कहो यार, ये बोट बड़ी मस्त है यार, बिना पानी के भी अच्छी खासी डिस्टेंस चल जाती है। ओके आ गए यहाँ पर लेकर, आई थिंक गाइस यहाँ पर से अब टक्कर नहीं होने वाली है इस शिप से, और अभी फटाफट से निकलते हैं इस बड़ी सी शिप को लेकर पानी के अंदर। वेट फोन आ रहा है क्या किसी का? हाँ यार फोन तो आ रहा है, एक सेकंड किसका फोन आ रहा है? माइकल, माइकल क्यों मुझे फोन कर रहा है? क्या हो गया माइकल को, फिर डूब गया क्या ये? नहीं नहीं इसको तो बचा लिया था, और ये अपने किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था, उसकी फैमिली भी वहीं थी, वहां से क्यों फोन कर रहा है? ऐसे हाल चाल पूछने के लिए कर रहा होगा यार, उठा लेते हैं। हेलो भाई माइकल कैसे, मजेदार चल रही है जिंदगी? अरे यार क्या मजेदार चल रही है जिंदगी, जिंदगी बर्बाद हो गई है यार। क्या हो गया भाई माइकल ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे जल्दी से आ जाओ प्लीज, बचा लो फ्रैंकलिन। क्या हो गया, तू तो अच्छा खासा अपने रिश्तेदार के घर था। अरे वो घर पूरा पूरा बह गया यार, घर पूरा है बह गया। किस चीज में बह गया? सुनामी में। अबे कैसा कच्चा सा लोकल सा घर था? अरे वो घर तो एकदम लोकल था और लोग भी थोड़े ज्यादा हो गए थे यार घर पे, इसलिए वो घर बह गया। जल्दी प्लीज बचा लो यार मेरे रिश्तेदारों को, साथ में मेरी फैमिली को और साथ में ट्रेवर को भी। एक सेकंड तू नहीं डूब रहा है क्या? नहीं मैं तो ठीक हूँ। तू कैसे बच गया, तू भी तो उसी घर में रह रहा था। अरे पहले इधर आओ यार फिर सारी बात बताऊंगा मैं। नहीं तू पहले ये बता भाई। अरे पहले आ जाओ यार जल्दी से मेरे रिश्तेदारों को बचा लो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ, लेकिन आना कहाँ है? अरे इधर की साइड ही आ जाओ पानी के रास्ते से अपनी बड़ी वाली शिप लेके। अरे फोन काट दिया इसने तो। चलो यार गोल्ड क्या लाया, माइकल की फैमिली को बचाना पड़ेगा लगता है।
भाई साहब जिस रिश्तेदार के घर पे गया था गाइस उसी का घर डूब गया। और सबसे ज्यादा तो यार अलग ही सिचुएशन हुई है ट्रेवर के साथ, क्योंकि ट्रेवर जो था भाई उसका घर नहीं डूबा था, क्योंकि जो ट्रेवर है वो रहता है एक्लिप्स टावर में गाइस। और एक्लिप्स टावर काफी ज्यादा ऊंचा वाला टावर है, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ एक्लिप्स टावर, वो देखो सामने बिल्डिंग दिख रही है वही एक्लिप्स टावर, और उसी में ऊपर से दूसरा तीसरा फ्लोर था उसका, बिल्कुल पानी के ऊपर था, मस्त चल रही थी उसकी जिंदगी। बट उसने देखा कि माइकल कहीं और जाने की सोच है, तो वो भी माइकल के संग कहीं और चला गया, और दोनों के दोनों चले गए गाइस अपने रिश्तेदार के घर। माइकल की फैमिली में अमांडा, ट्रेसी और जिमी तीनों भी वहीं थे, और ये माइकल, ट्रेवर भी वही, ये पांच अलग से, और उनके और रिश्तेदार वो तीन चार। भाई साहब पूरा घर टूट गया, पूरा घर बह गया सुनामी के अंदर, और रिश्तेदार भी शायद से डूब रहे होंगे। फिलहाल तो ये हंसने वाली सिचुएशन नहीं है यार, हम लोग को जल्द से जल्द जाना होगा। चलो भाई चलो चलो फटाफट से चलते हैं। अरे यार वैसे किसका फोन आया था यार? वह फोन आया था माइकल का, और बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब आज आप कल क्या गड़बड़ हो गई है? वह गड़बड़ ये हो गई है कि माइकल अपने रिश्तेदार के घर गया था, तुम लोगों को तो पता ही है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, माइकल भैया कब आए? अबे तुम लोगों को नहीं पता तो मैं ढंग से बता रहा हूँ। देखो भाई माइकल और ड्राइवर दोनों फंसे पड़े थे, मैंने उनकी जान बचाई, वो दोनों गए अपने रिश्तेदार के घर, और जिस रिश्तेदार के घर पे गए थे उनका घर भी बह गया सुनामी में। भाजपा यार कल फिर तो सारे रिश्तेदार और दोस्त वगैरह सारे बह रहे होंगे। हाँ भाई इसलिए बचाना जरूरी है भाई। लेस्टर कुछ तरीका सोच इस शिप को पानी में उतारने का। इसका तो एक ही तरीका है। क्या भाई? उस गाड़ी से इसको बांधो और खींच डालो। हाँ ये तरीका बढ़िया है गाइस, यही करना पड़ेगा। फटाफट से अपनी रेंज रोवर का यूज करना होगा हम लोगों को। वेट वेट वेट, हाँ इसको चलाते हैं गाइस पीछे, और ये जो हिस्सा है गाइस इसमें एक रोप को बांधते हैं और फिर खींचने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो, हम लोग कर सकते हैं गाइस। तुम लोग चाहते हो कि जल्द से जल्द मैं जाकर माइकल की फैमिली की जान बचाओ, तो अभी अभी जाकर गाइस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यस गाइस अभी अभी जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स गो भाई, रस्सी बांधो फटाफट इधर। तो गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर एक रस्सी से बोट के इस आगे वाले हिस्से को बांध दिया गया है, और अभी मैं इस पूरी की पूरी शिप को लिटरली मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इस गाड़ी से पुल करने वाला हूँ। काफी ज्यादा मुश्किल चीज है ये, बट मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ। बाकी तुम लोग देख सकते हो गाइस, ओह भाई साहब इतनी बड़ी शिप सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी से पुल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट यस आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ भाई ये। तुम लोग जाओ गाइस अभी कभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार फटाफट से। फाइनली यहाँ पर जो शिप है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पानी के अंदर। बस अरे यार बस उतने में काम हो जाएगा यार अपना, आई थिंक। हाँ यार इतने में काम हो जाएगा, बस यहीं पर डी अटैच कर देते हैं। लेट्स गो, अब रस्सी को फटाफट से निकालते हैं, बाद में निकालेंगे रस्सी को, पहले तो मैं गाड़ी को यहाँ लहरों से बचाऊं। अरे लहरों में बह गई मेरी गाड़ी। अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे गाड़ी थोड़ा पीछे, अरे पीछे चल गाड़ी, गाड़ी ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। बहुत ही साथ दिया है यार इस गाड़ी ने लिटरली। मैं गाइस जब पहली बार शिनचैन और पिनचैन को बचाया था तो मैंने इसी गाड़ी से बचाया था। अरे नहीं अरे नहीं अरे ये तो पूरी बह गई बह गई बह गई बह गई। अरे नहीं आगे हो जा रेंज रोवर हमारी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओह निकल गए गाइस, लहरों से निकल गए और बचा लिया हमने अपनी गाड़ी को भी। हो गया काम हो गया, फटाफट से चलते हैं यार अभी माइकल को बचाने के लिए। अरे तुम जाओ यार, मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई मत चल पिनचैन, और शिनचैन भी नहीं जाएगा, और उसका तो वैसे ही पेट खराब है। शिनचैन और चॉप भी नहीं जाएगा। क्यों भाई चॉप? क्या बात है आप कल? हाँ भाई मेरे को भी दोबारा नहीं खोना है। ठीक है तो तू भी मत चल। तो लेस्टर भाई तू तो चलेगा? वैसे मेरा कुछ खास जरूरी काम तो नहीं होगा तुम्हें, इसलिए मैं भी नहीं चलूंगा यार। ठीक है, और तू भाई तू तो चलेगा, तेरा तो चलना जरूरी है, रास्ते में बोट खराब होगी तो बचाएगा कौन? मैं तो चल ही सकता हूँ, लेकिन फिर भी यार मेरा भी थोड़ा थोड़ा पेट गड़बड़ लग रहा है। नालायक को सारे के सारे बहाने बना रहे हो। नहीं यार बहाने नहीं, मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूँ 100% शिप नहीं डूबेगी इस बार। अगर डूबी ना भाई मैं तेरे को गोली से उड़ा दूंगा। ये देख मेरे पास बंदूक भी है, इसलिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है उड़ा देना, लेकिन शिप नहीं डूबेगी इस बार। ठीक है चलते गाइस अकेले ही, इनमें से कोई जाने वाला है नहीं। वैसे भी पता नहीं यार माइकल की फैमिली में कितने बंदे डूब रहे हैं। चलते यार बचाने के लिए उन सबको, माइकल बच गया पता नहीं कैसे। चलो चढ़ते हैं गाइस शिप पर, लेट्स गो। भाई ध्यान रखना अपना, इस बार मत खो जाना कोई सा, किसी को बचाऊंगा नहीं मैं इस बार। और हाँ मैं दूसरे का घर गिर गया है उनको बचाने जा रहा हूँ, अपना मत घर गिरा देना। अरे टेंशन मत करो यार सब कुछ ठीक रहेगा इधर। चलो गाइस फटाफट से शिप के मेन कंट्रोल रूम में चलते हैं, और कितने दिनों बाद इस शिप को चलाने वाला हूँ मैं। जब से ये शिप पहली बार डूबी थी गाइस तब से तो मेरे को इस शिप को देखकर डर लगने लग गया था, बट अब सब कुछ ठीक है। कम ऑन पानी का थोड़ा सा इंतजार, पानी आते ही ओके ओके ओके
बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। प्लीज प्लीज शिप इस बार मत डूबियो प्लीज। अगर ये इस बार डूब गए तो मैं सच में गोली से उड़ा दूंगा शिप रिपेयर करने वाले को। ओके ओके अभी तक तो ठीक है गाइस, अभी तक तो ठीक है। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं बोट भी तो ले जा सकता था। नहीं गाइस, काफी सारे लोगों की जान बचानी है और मुझे ये भी तो नहीं पता कि वो पानी कितना बीच में है, इसलिए जल्द से जल्द जाना और सबकी जान एक साथ बचाना इस वक्त जरूरी है। इसलिए इस बड़ी वाली शिप को ले जाना पड़ रहा है मुझे, और इतनी बड़ी लहरों के बीच ये शिप पता नहीं किस तरीके से चलने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी एक बार इस शिप पर मैं सारे उसके परिवार वालों को चढ़ा दूँ तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि मैं फ्रीज द बोट बटन दबा दूंगा और उसके बाद ये शिप जो है हवा में ही फ्रीज हो जाएगी पानी के ऊपर ही, फिर सब इजीली बच जाएंगे। बाकी यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिप नहीं चलने वाली है, मुझे लिटरली मैं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये डूबेगी आगे जाके। अरे यार नहीं नहीं डूबनी नहीं चाहिए। तुम लोग गाइज एक काम करो यार, फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यस गाइज अभी के अभी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाला आइकन प्रेस करो। और एक और चीज गाइज, कमेंट में जरूर बताना क्या लगता है यार इस बार ये शिप डूबेगी या फिर नहीं। मुझे तो भाई लिटरली में 70-80% चांस लग रहे हैं ये शिप डूबेगी, बट देखते हैं क्या पता अपनी किस्मत अच्छी निकलती है और ये शिप नहीं डूबती है। प्लीज प्लीज प्लीज, और ये शिप पूरी टेढ़ी हो गई है। नहीं 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 नहीं, ओह सीधी हो गई सीधी हो गई। चलते हैं फटाफट से आगे, माइकल ने ढंग से बताया भी तो नहीं। इधर की साइड उसकी फैमिली मेंबर्स डूबे होंगे, चलते हैं थोड़ा और आगे। अरे यार ये शिप तो भाई मेरे दिल की धड़कने तेज कर रही है लिटरली में। अभी एक सेकंड के लिए गाइस मुझे लगा था ये डूब गई क्योंकि पूरी पानी के अंदर चली गई थी ये। अरे ये शिप लेकर निकलना बहुत खतरनाक है यार, पानी भी तो शांत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती है। कोई ना जाने माइकल के घर वालों का घर कहाँ ढूंढा है, मतलब कहाँ डूबा है। आई डोंट नो, थोड़ा और आगे चलते हैं। बताओ नीचे जहाँ पर मैं शिप चला रहा हूँ इसके नीचे गाइस गली है, बताओ गली के अंदर शिप चला रहा हूँ मैं। कैसे ही दिन आ गए हैं लॉस सैंटोस के अंदर। ओ वेट, मुझे घर टूटा हुआ दिख तो रहा है। ओ हाँ ये रहा, ओ ये रहा ये रहा ये रहा, सामने की तरफ देखो गाइस ये घर पूरा डूब गया है। डूब क्या गया है, पूरा टूट फूट गया है। यही तो नहीं है गई माइकल के रिश्तेदार का घर, हो सकता है गाइस, मे बी पॉसिबल। ओ हाँ ये देखो तुम लोग राइट में देखो गाइस, मेरे राइट में देखो क्या हाल हो रखा है इस घर का। इस घर के ऊपर से पूरा पानी बह रहा, पूरे घर की नीचे का जो फ्लोर होता है वही टूट गया है। और माइकल भी वेट मुझे नजर आ रहा है, माइकल वो रहा माइकल वो रहा माइकल वो रहा। तो कोई यार इस बोट को जरा साइड में लगाता हूँ क्योंकि ये भी तो पूछना पड़ेगा कि आखिर में इसके फैमिली मेंबर्स डूबे कहाँ पर है। बस 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 रुक जा शिप रुक जा रुक जा। बहुत ही बढ़िया यार, शिप ने लिटरली में डरा तो दिया था मुझे, लेकिन अभी तक बंद नहीं पड़ी है कहीं भी और ना ही डूबी है। सही बात है गाइस, सही रिपेयर करी है यार उस शिप रिपेयर करने वाले बंदे ने। बाकी माइकल मुझे अभी नजर आया था गाइस, माइकल सामने की तरफ ही है। चलो चलो चलो, चलो जरा पूछते हैं इससे कहां पर इसकी फैमिली डूबी है। बाकी हाँ यही है घर गाइस, देख सकते हो भाई लिटरली में पूरा नीचे नीचे का फ्लोर ही पूरा टूट गया है। दो मंजिल का शायद से ये घर था और वो फ्लोर बचा हुआ है, उसकी दीवारें सारी टूट फूट गई हैं। इधर का पूरा फ्लोर ही टूट गया यार। माइकल भाई क्या हो गया ये? अरे यार बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई यार, प्लीज मेरे घर वालों को बचा लो प्लीज। तो पहले ये बता हुआ क्या एग्जैक्टली? अरे यार वो बाहर मुझे काफी बढ़िया वाला खरगोश दिखाता है यार। अच्छा तो मैं सोचा चलो खरगोश को पकड़ लेते हैं, पाल लेंगे इसे। क्यों भाई? क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था यार घर के अंदर, बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक पेट पाल लेंगे ऐसे फ्री का। तो मैं उस खरगोश के पीछे दौड़ा। अच्छा ठीक है। और फिर खरगोश को पकड़ के जैसे ही मैं वापस लौट रहा था यार, तभी ये घर देखा मैंने पूरा ढह गया। ओ तेरी, पूरा फ्लोर नीचे गिर गया। गमले वमले सब हवा में ही लटके रह गए, लेकिन उसकी दीवारें और पूरा फ्लोर सब कुछ बिखर गया यार। भाई कौन कौन था तेरे उस वक्त घर में? अरे यार सब थे भाई, मेरे 5 रिश्तेदार और मेरी 3 फैमिली मेंबर और मेरा दोस्त ट्रेवर। अच्छा अमांडा ट्रेसी जिमी सब बह गए, ऊपर से वो 5 रिश्तेदार भी बह गए और ऊपर से ट्रेवर भी बह गया है। और तैरना आता है इनमें से किस किस को? इनमें से बस ट्रेवर को ही तैरना आता है और किसी को भी नहीं। अच्छा ट्रेवर वो है क्या? वेट मुझे ट्रेवर दिखा गाइस सामने, एक सेकंड के लिए दिखा तो था, इधर ही मुझे दिखा था गाइस। वेट 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 वेट, ये पानी थोड़ा नीचे होगा तो शायद दिख जाए वापस दिख जाए। ओ ये रहा वो ट्रेवर, ट्रेवर दिख गया। ट्रेवर पानी के ऊपर दौड़ रहा है? अच्छा नहीं उधर नीचे छत होगी। गाइस ट्रेवर दिख गया, ट्रेवर दिख गया, ट्रेवर तो शायद अपनी जान बचा लेगा। अरे वो कब से वहीं पर अटका है यार, वो आ ही नहीं पा रहा इधर, पानी की लहरें इतनी फास्ट है। प्लीज बचा लो मेरे फैमिली मेंबर्स को। हाँ हाँ बचा रो टेंशन मत ले। बाकी ये घर कैसे गिर गया? अरे घर को टच भी मत करना, बाकी बचा हुआ हिस्सा भी गिर जाएगा। अच्छा कितना कमजोर घर बनवा रखा था इन लोगों ने। ऐसे तुम बचाओगे कैसे, शिप लाए हो कि नहीं? अरे हाँ लाया हूँ भाई वो रही शिप। चलो गाइस इसके 9
लोगों को बचाते हैं। दसवां तो ये है, पांच इसके रिश्तेदार हो गए, तीन इसके फैमिली मेंबर और एक अपना ड्राइवर हो गया। सबको बचाने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है फिलहाल के लिए, तो चलते हैं यार। अपना दोस्त है ड्राइवर भी, ड्राइवर को बताओ जिसको तैरना आता है वो तलक अटका पड़ा है सुनामी के अंदर, और जिसको तैरना नहीं आता उनका तो क्या ही हाल होगा यार। चलो कोई बात नहीं, और फ्रैंकलिन द सेवियर आ गया है। चलो गाइस सबको बचा डालूंगा मैं, लेट्स गो। जब शिनचैन भिनचैन और चॉप तीन तीन बार खो गए और उनको मैंने बचा लिया, ये तो फिर भी माइकल के फैमिली मेंबर्स हैं, इनको भी मैं बचा ही लूंगा। लेकर चलते हैं गाइस अपनी बड़ी वाली शिप को इस वक्त पानी के अंदर। और कहां पर मेनली वो डूब रहे हैं भाई? अरे इधर ही आजू बाजू ही है यार सबके सब। अच्छा ठीक है, अरे यार ये शिप अटक गई अपनी, कोई बात नहीं। कम ऑन, ये बड़ी सी लहर आई और ये बहुत ही बढ़िया। अब क्या करूं मैं? हाँ मेरे पास एक आइडिया है गाइस, मैं एक काम करता हूँ, इस शिप को ले जाकर वो वाला बटन दबा देता हूँ फ्रीज द शिप, और उसकी हेल्प से मैं शिप को ऊपर ही रोक दूंगा, और फिर पानी के अंदर मैं देखूंगा गाइस कौन कहाँ डूबा हुआ है, क्योंकि क्या पता भाई कोई बेहोश बेहोश भी हो गया हो, कुछ भी सीन हो सकता है यार। इसलिए चलते हैं फटाफट से इधर की साइड, लगा देते हैं शिप को फ्रीज द शिप करके, और फिर चलते हैं नीचे। अरे यार बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है ये मिशन, क्योंकि इतनी बड़ी शिप को कंट्रोल करना लिटरली में बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है गाइस। बाकी ये ट्रेवर तो दिख रहा है यार, ट्रेवर आ जा, ओए ट्रेवर। अरे ये ट्रेवर भी नहीं आएगा, रुक जाओ यार, इस शिप को थोड़ा पीछे ले जाकर फ्रीज द शिप बटन दबाता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर मैंने फ्रीज द शिप वाला बटन दबा दिया है, जिसकी मदद से तुम लोग देख सकते हो गाइस अब ये शिप नहीं डूबने वाली। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई फ्रीज द शिप वाला बटन तो पिछली बार भी था, फिर की शिप डूब गई थी। एक्चुअली में वो गुंडे ने आके गोलियां चला दी थी भाई, इसलिए शिप में छेद हो गया था और शिप डूब गई थी, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब पानी के अंदर चलते हैं गाइस, देखते हैं कहां पर इसके फैमिली मेंबर्स। ओ वेट, ये कौन है? ओ अमांडा, हेलो अमांडा, ओए ऊपर चल। अरे किधर, कौन है ये? अरे मैं फ्रैंकलिन हूं भाई, ऊपर ऊपर ऊपर, ये रही शिप। अच्छा ये शिप है, इतना तो मैं तैर ही लूंगी, तो चलना ऊपर। चलो गाइस अमांडा तो गई शिप के अंदर, ढूंढते हैं बाकी और कौन है। मिल जाए मिल जाए। ओ वेट, दो लोग नीचे हैं। ओ ये तो बेहोश हो गया गाइस, ये ओ तीन है तीन। वेट ये कौन है, ये कौन है गाइस? ये भी शायद रिश्तेदार है कि जिमी है? नहीं नहीं ये भी कोई रिश्तेदार ही है इनका, और इसने मास्क लगा रखा है क्या, पता नहीं। तीन लोग एक साथ नजर आ गए, ये बंदा तो बेहोश ही हो गया है गाइस। हाय हाय हाय, हेलो सर, हेलो सर उठो। और ये बंदा भी तैरने की कोशिश कर रहा है और कर नहीं रहा है, ये तो लड़की है, इसके रिश्तेदार में क्यों होगी ये? रुक जाओ गाइस, इन तीनों को बचाना पड़ेगा। हेलो सर, नहीं भाई इसने कोई मास्क नहीं लगाया रखा है। अरे 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 मेरे को ऊपर ले चलो प्लीज, धक्का दो मुझे। ठीक है अभी पुश करता हूँ। और ये कौन है? ये मेरा भाई है, बेहोश हो गया है। अरे यार इसका भाई तो बेहोश हो गया है, सबको बचाना पड़ेगा। कितनों को बचाऊं मैं? सबसे पहले उसको बचाते गाइस, जो पहले जो अभी ठीक ठाक है इसको बचाते हैं। रुको चल भाई, आ जा मेरे संग ऊपर चल। ओके इसको तो बचा लिया, इस बेहोश वाले बंदे को अलग से ले जाना पड़ेगा यार, इसको तो कंधे पे ही ले जाना पड़ेगा, इनको तो बाकी को मैंने पुश किया सिर्फ। और वेट मेरे को ऊपर भी कोई दिख, और दो लोग ऊपर है। अरे यार ये तो जल्दी मिल जाएंगे, लेट्स गो गाइस हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं ये मिशन। अरे यार एक तो पानी के अंदर तैरना भी तो इतना डिफिकल्ट होता है। ओके ओके ओके, ओए बेहोश वाले बंदे चल। चलो गाइस उसको भी बचा लिया। और हेलो आंटी जी। अरे मेरे को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, वो तो जैसे तैसे मैं अटकी पड़ी हूं। तो लेकर चलता हूं मैं आपको भी। चलो ओके, एक और यहां पर दिख चुका है गाइस माइकल की फैमिली का मेंबर, ये भी शायद लड़की है। ओके नहीं ये ट्रेसी तो नहीं है, कि ट्रेसी है? अरे पता भी तो ना चलता भाई कौन है ये, पता नहीं गाइस। जो भी हो यार इसकी फैमिली का हो चाहे ना हो, मेरा तो बचाना ही मेन पर्पस। और वेट मुझे अभी उधर कोई दिखा भी? अरे यार कैसे कैसे ढूंढूं मैं इन लोगों को पानी के अंदर, अभी कोई दिखा था गाइस अभी अचानक से गायब हो गया। पहले इनको लेकर चलते हैं फटाफट से पानी के ऊपर, लेट्स गो। चलो भाई इसे भी बचा लिया, कितने बंदों को बचा लिया मैंने, मैं तो गिन भी नहीं रहा अभी। एक तो ड्राइवर बाहर ही था, एक वो रहा, वो कौन है? ये शायद से जिमी होना चाहिए, मोटा सा तो जिमी है इनके परिवार में। ओ जिमी है, ओ जिमी है। अरे फ्रैंकलिन भैया बचाओ मुझे भी। अरे आ रहा हूँ भैया आ रहा हूँ। ओ वेट उधर भी कोई है, कौन है ये? अरे मुझे भी बचाओ, मैं भी माइकल की फैमिली की मेंबर हूँ। ठीक है पहले जिमी को बचाते हैं, रुक जाओ। एक और जिमी तो गया, और एक और यहाँ पर एक आंटी जी थी, फटाफट से इनको भी लेकर चलते हैं। पता नहीं यार कितनों को बचा लिया मैंने, उसने 9 कहा था, एक ड्राइवर हो गया, 8 मतलब अभी होने चाहिए शिप में। काम करता है यार, एक बार ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है, कितने लोग हो चुके हैं। और वेट यहाँ पर मुझे एक शिप के पास ही कोई दिख रहा है, जो शिप पे शायद से चढ़ने का ट्राई कर रहा है। वेट नीचे शिप के नीचे कोई दिखा था मुझे, कोई तो तैरता वो दिखा था यार मुझे, कौन हो सकता है वो? ड्राइवर को तो अच्छा तैरना आता है। ओ वेट वो रहा, कौन है ये? रुक जाओ गाइस, अरे ट्रेसी है ये तो, मैं वही तो कह रहा, जिमी को ढूंढ लिया मैंने। अरे माइकल भैया मुझे भी बचाओ।
बचा रहो यार, ये माइकल को तैरना आता है, सबको नहीं सिखा सकता ये। आई थिंक गाइस सब हो गया यार इसकी फैमिली में, मैंने मुझे लग रहा है सबको बचा लिया। एक बार चलते हैं जरा इस अपनी शिप के ऊपर, जरा देखते हैं गाइस कितने को बचा लिया, अभी कितने बाकी है। लेट्स गो। ओके तो यहाँ पर काउंट करने, तो ये हो गई पहले माइकल की फैमिली देखता हूँ गाइस, ये हो गई ट्रेसी, ये हो गई अमांडा और ये हो गया अपना जिमी। ठीक है तीन लोग तो नहीं पहले गिन ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 7 है ना पक्का ये। अरे ड्राइवर रुक जा। अरे यार काफी लेट आए तो मुझे बचाने। मैंने तुझको बचाया ही कहाँ, मतलब शिप तो लेकर आया ना बचाने के लिए। हाँ वो आ गया, बस चुप हो जा तू। ओके 5 ये है, 2 ये है, 7 है और एक इधर मैंने इसको कपड़े की तरह सुखा रखा है, जो बेहोश हो रखा है। भाई इसको कैसे टांगा है यार मैंने, कपड़े की तरह ग्रिल पे लगा दिया भाई, तू सूखता रहे। तो ये हो गए नीचे कितने थे, फिर गिनती भूल गया मैं, 5 और 2 7 1 8 9 9 भी ये रही। ये क्या कर रही है, देख रही हूँ ये शिप चलाई कैसे जाती है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थक गया यार सबको बचाते बचाते। अब फाइनली इस शिप को लेकर चलते हैं साइड में। ओके फ्रीज द शिप, जो बटन था गाइस उसको मैंने अभी डिसेबल कर दिया है। अभी फटाफट से इन लोगों को लेकर चलते हैं गाइस साइड में, पकड़ के बोट बढ़िया तरीके से बैठ जा रहा है, क्योंकि शिप के डूबने का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी डूब सकती है ये। अबे डूब ही गई क्या, ओ नहीं, ओ वेट, ओ वेट, लहरों शांत हो जाओ, अरे डूबनी नहीं चाहिए ये। नहीं 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 डूबी नहीं है भाई। अरे वेट, वो डूब रही है, ये डूब रही है, शिप के अंदर छेद हो गया क्या। भाई साहब घर वर तोड़ ताड़ के सीधा निकल ही आया मैं गाइस। ये एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शिप के अंदर होल हो गया है। होल तो सच में हो गया है। अबे गोली किसने चलाई, गोली की वजह से नहीं, वो मेरी हील की वजह से। हील क्या, अबे लिटरली मैं इसकी हील की वजह से गाइस बोट के अंदर छेद हो गई है, बताओ। और मेरी भी हील की वजह से। अरे ये हील पहनते ही क्यों है। कोई बात नहीं गाइस, भले ही छेद हो गया वो बोट के अंदर, शिप के अंदर, बट मैंने सही टाइम पे निकाल दिया और अपना रिपेयर करने वाला बंदा तो है ही, वो इसको आराम से रिपेयर कर देगा। तुम लोग क्यों नहीं शांत हो रहे भाई, दौड़े क्यों जा रहे हो। अरे यार बस अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ मैं। दोस्त से मिलने मत जाओ, माइकल को यहीं बुला रहा हूँ। भाई माइकल कहाँ है तू, आया आया यार आया। ले भाई माइकल मैंने तेरा काम पूरा किया, तेरी सारी फैमिली मेंबर्स को, तेरे रिश्तेदारों को बचा लिया है। वो कौन टंगा पड़ा है, अब वो कोई होगा तेरे रिश्तेदार में, बेहोश हो गया है, इसको तो बिल्कुल ही पानी से ही एलर्जी है। खैर जो भी हो भाई सबकी जान बचा दी है मैंने। थैंक यू यार फ्रैंकलिन, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ। कुछ नहीं बस अपने शोरूम से 3-4 गाड़ियाँ भिजवा दियो महंगी वाली। अरे तुम तो सीधा शोरूम पे पहुँचे, मेरा शोरूम भी बह गया यार सुनामी के अंदर। अच्छा तो ठीक है, गाड़ियाँ तो सेफ रखी होंगी, गाड़ियाँ भिजवा दियो है। ठीक है देखता हूँ मैं, बाकी बचा दिया मैंने तेरे फैमिली मेंबर्स को, अब फटाफट से इन्हें निकाल ले नीचे। वैसे ये सब है कौन। अरे ये दूर के अपने हैं यार रिश्तेदार। अच्छा जल्दी से निकाल भाई इस जिसको सुखा रखा है मैंने, ये जिंदा है कि नहीं। नहीं नहीं गाइस जिंदा है, ये भी जिंदा है, बस बेहोश हो रखा है। चलो भाई सबके साथ उतर जाओ, बोट की सवारी पूरी होती है और इस बोट को रिपेयर भी तो करवाना पड़ेगा। छोड़ो यार अब इस शिप को क्या ही वापस ले जाऊंगा मैं, काम करता हूँ जो शिप रिपेयर करने वाला बंदा है उसको इधर ही बुला लेता हूँ, वो आएगा गाइस और यहीं शिप रिपेयर करेगा, क्योंकि इसके रिश्तेदारों के हीलों की वजह से इसके अंदर वापस से होल हो चुका है, उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं हो जाएगा सब कुछ ठीक। बाकी जो भी हो गाइस मैंने इसके 9 के 9 रिश्तेदारों को बचा लिया है, जिसकी मुझे काफी ज्यादा खुशी है। और इसके लिए गाइस लाइक तो बनता है यार, लिटरली मैं खुद डूबते बाकियों को बचा रहा हूँ डूबने वालों को। इसलिए यार अभी के अभी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। बाकी कमेंट में जरूर बताना गाइस क्या लगता है हम कभी गोल्ड निकाल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जब भी सोचते हैं यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। खैर जो भी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। चलो बुलाते हैं फटाफट बोट रिपेयर करने वाले को, अब तो वो डबल पैसे मांगेगा, कहेगा दोबारा रिपेयर करवा रहे हो, डबल चाहिए। कोई नहीं 2-3 गोल्ड बार दे देंगे और क्या।